नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक सर्व निंदक महाराज थे, सबकी निंदा करते रहते, कोई कुछ भी करता उसके उसकी उन्होंने अपनी टांग उसमें फंसानी ही फंसानी है, निंदा करनी ही करनी है। कोई अपना काम अपनी मस्ती से कर रहा होता, बीच में सुस्ताने बैठ जाता, उसको कहते काम चोर। कहेंगे अपना काम ठीक से होता नहीं है, बीच में सुस्ताने बैठ जाते हो, काम करो काम। और अगर कोई लगातार काम करता रहता उसको कहते पागल है, काम करता करता मर जाएगा, सुस्ता ले थोड़ा सा, इतना भी लगातार काम अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई पूजा करता पूजा में मस्त होता तो कहता है पाखंडी कहीं का, सिर्फ पूजा दिखा रहा है काम से बचने के लिए, भगवान के सामने आके बैठ जाता है। और अगर कोई नहीं करता उसको कहता कि तुम नास्तिक हो, नास्तिक कहीं के, भगवान पे भरोसा रखो, जो मिला है भगवान की वजह से ही मिला है। अब लोगों को समझ नहीं आती कि उसकी किस बात को माने। तो ऐसे ही नारद मुनि अपने व्यवहार अपने नेचर के अनुसार उन्होंने ये वाली बात विष्णु लोक तक पहुंचा दी। विष्णु जी ने कहा उसको हमारे घर भोजन पे आमंत्रित करो, हम देखते हैं वो कैसा व्यक्ति है। उसका न्योता लेके महर्षि नारद उसके पास आए और उसको साथ लेके गए कि रास्ते में पलट ना जाए। वहां पहुंचे सर लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थे, उन्होंने कहा अपने हाथ से परोसे। उन्होंने कहा महर्षि महाराज बहुत अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। उन्होंने कहा जी जी जी। तो वो खाने लगे, इतना टेस्टी भोजन था। विष्णु सोचने लगे कि आज तो ये निंदा नहीं करेगा लक्ष्मी जी की। तो उन्होंने जब पूरा खा लिया, नारद मुनि ने पूछा महाराज भोजन कैसा लगा। उन्होंने कहा भोजन की तो कोई तुलना ही नहीं है, इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है हमने, जी भर के खाया है। उन्होंने बोला फिर इतने अच्छे भोजन का क्या फायदा, कोई खाते खाते ही अपने प्राण त्याग दे। विष्णु जी ने कहा इन्होंने लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा महाराज हम निंदा के प्रति आपका समर्पण देख के बहुत प्रसन्न हुए, मांगिए क्या मांगते हैं। उन्होंने शर्माते हुए महाराज ने कहा प्रभु मेरे वंश की वृद्धि कर दीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे आगे पीछे निंदक, हमारे घरों में निंदक, बाहर निंदक, अड़ोस पड़ोस में निंदक, ऑफिस में निंदक, हर जगह कहीं ना कहीं निंदक मिलेंगे। इसीलिए हम वो अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं क्योंकि उनके वंश की वृद्धि हो रही है, और हम अपने कर्तव्य का पालन करें, उनको उनकी परवाह किए बिना हमें जो करना है हम अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं और सही पथ पर चलते जाएं। नमस्कार, जय हिंद।